बच्चों एम्स 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों जो भी आपको डाटा गिवन है वो ग्राफ के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, जरा इस ग्राफ को रीड करने की कोशिश करते हैं। बच्चों ग्राफ में अगर आप देखो तो आपको यहां पर हाइट का टाइम के साथ ग्राफ गिवन है कि मतलब किस किस टाइम पर पार्टिकल किस किस हाइट पर था। ठीक है, तो जरा बच्चों समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, ठीक है, और उस पार्टिकल को हमने अपर डायरेक्शन में ऐसे थ्रो किया, तो पहले तो ये बच्चों अपवर्ड मोशन करेगा। अब आपको पता है जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो रेस्ट में आ जाएगा, फिर उसके बाद ये बच्चों डाउनवर्ड मोशन करेगा और फिर ये वापस ग्राउंड पर आ जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आता है? बिल्कुल सिंपल। अब यहां पर जरा क्वेश्चन में देखना क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से देखो बच्चों। 1 सेकेंड पर जो हाइट है वही हाइट आपको 6 सेकेंड पर दी गई है। देखो 1 सेकेंड और 6 सेकेंड पर सेम हाइट है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों यहां पर हम कहें कि ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है तो सेम हाइट होगी t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर, मतलब कि 1 सेकेंड पर ये ऊपर जा रहा होगा, 6 सेकेंड पर नीचे आ रहा होगा, सेम हाइट आपको मिलेगी। इसी तरीके से बच्चों दूसरी इंफॉर्मेशन देखो, ये कह रहे हैं कि 2 सेकेंड पर जो हाइट है वही हाइट बच्चों 5 सेकेंड पर है, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि 2 सेकेंड पर ये हो गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो हाइट है वही हाइट बच्चों t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर है। तो आपसे बच्चों यहां पर पूछा है कि ये h की वैल्यू यहां पर क्या होगी। ठीक, अब बच्चों ये h है क्या जरा समझो, h यहां पर क्या है जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 सेकेंड पर जो हाइट है और जो 1 सेकेंड पर हाइट है उसके बीच का डिफरेंस है। मतलब यहां पर अगर आप देखो तो ये डिफरेंस बच्चों आपको यहां पर कितना गिवन है, h गिवन है, हमें ये h कैलकुलेट करना है। और एक मजेदार बात और, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो बच्चों यहां यूज करना है वो 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, गलती से 10 मत ले लेना, 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन। बच्चों यहां पर अगर आप देखो जरा समझिएगा, 2 से लेके 5 तक का जो गैप है वो कितना है, 3 सेकेंड का। 2 से 5 तक का गैप कितना है, 3 सेकेंड का। और 3 सेकेंड यानी कि बच्चों 2 और 5 है ना, इसके बीच का गैप हो गया 3 सेकेंड का। 3 सेकेंड को 2 बराबर टुकड़े में डिवाइड कर दो यानी 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1.5 सेकेंड ये वाला टाइम होगा और बच्चों 1.5 सेकेंड ये वाला टाइम होगा। सीधी सी बात है भाई, 2 से 5 तक 3 सेकेंड है, उसको हमने 2 बराबर टुकड़े में डिवाइड कर दिया, 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। अच्छा, और बच्चों ये वाला जो टाइम है कितना है, ये 1 सेकेंड है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये कई बार आपने यूज किया होगा और कई बार मैंने अलग अलग वीडियो में बताया है कि अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट पर रेस्ट में है और आप उसको एक्सेलरेट करा रहे हो ए से, तो टी टाइम में वो हाफ ए टी स्क्वायर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि उसके पास इनिशियल कोई वेलोसिटी है ही नहीं, है ना। तो अगर इनिशियली रेस्ट में, तो रेस्ट से टी टाइम में कितना चलेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर देखो बच्चों, ये जो पॉइंट है वो रेस्ट है, समझना, ये पॉइंट रेस्ट है, तो रेस्ट से और अगर हम ये वाली डिस्टेंस निकालें तो कितनी आएगी, तो बच्चों रेस्ट से यहां तक का गैप है 1.5 सेकंड का, तो हम क्या बोलेंगे कि हाफ जी और 1.5 का स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन रेस्ट से एप्लीकेबल है, ध्यान देना। और बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना होगा, ये पूरा, तो रेस्ट से और यहां तक का टाइम गैप हो गया 2.5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हाफ ए और 2.5 का स्क्वायर। अब बच्चों अगर हमें ये h निकालना है तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट में से इसको माइनस कर दें, तो यहां पर h आ जाएगा हाफ जी 2.5 स्क्वायर माइनस हाफ जी 1.5 स्क्वायर। और इसका भी तरीका देखो क्या है, हाफ जी की वैल्यू बच्चों 7.5 है, क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक बार बच्चों ए प्लस बी कर दो और एक बार आप ए माइनस बी कर दो। ठीक है, चलो देखो, तो हाफ बच्चों आप इसको 15/2 लिख सकते हो, और इधर देखो ये कितना हो गया बच्चों 4, और एक तरफ आ गया आपके पास 1। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बच्चों h की वैल्यू आपको मिल रही है 15 मीटर, यानी कि बच्चों करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।